हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो हमने देखा कैसे हमने हमारे जो प्रॉब्लम आ गया था गियर का, वो कैसे ठीक किया है। तो मेरी गाड़ी में मेरे को एक बात सबसे ज्यादा खटक रही थी कि मेरे पास जो मेरी कार है स्विफ्ट, उसमें जो स्टीरियो है वो सिंपल वाला स्टीरियो था, ब्लूटूथ था उसमें, और 2012 में जो चलता था वो सीडी डीवीडी प्लेयर वो सब लगा हुआ था। तो मेरे को वो जम नहीं रहा था, मेरे को टच स्क्रीन चाहिए था और पीछे वाला मेरे को रियर कैमरा चाहिए था, और देन आफ्टर मेरे को सेंसर भी चाहिए था। वो सब मैंने अच्छे से लगवाया है। मैं ये जब से मैंने ये जो स्टीरियो है सेंसर है और कैमरा है वो मैंने मंगवाया मुंबई से एक पार्टी से, और वो मैंने कुरियर से मंगवाया। तो कुरियर से मंगवाया कैसा दिखता था और कैसा है और कैसे मैंने लगाया और लगाने के बाद वर्किंग कैसा करता, वो सब मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे पास आ गया है हमारा स्टीरियो और सेंसर। तो हम खोल के अभी उसको देखते हैं कैसा लगता है और कैसे फिट होगा हमारी कार में। तो अभी ये इसमें पॉलीथीन वगैरह लगाया हुआ है, तो हम धीरे धीरे उसको खोलेंगे। पहले हम इसका सेंसर खोल लेते हैं। सेंसर में आपको पहले बॉक्स दिखा देता हूँ कैसा बॉक्स है और क्या क्या लिखा है उसमें। तो उसमें अभी लिखा है वीडियो पार्किंग सेंसर, आपको दिख रहा है ये वीडियो पार्किंग सेंसर है। और इसको मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। खोलने के बाद पता चला इसमें दो सेंसर दिख रहे हैं और दो सेंसर इधर डटे हुए हैं, और इसके वायर है, और उसका जो बोलने वाला जो स्पीकर आता है ये इसमें आपको दिख रहा है। आउटपुट वायर दिए हुए है, आउटपुट कैमरा भी दिया हुआ है, और इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ दो सेंसर और भी है जो नीचे छुपे हुए है, जो आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। देखो ये रहे हमारे दोनों सेंसर भी है। तो हमारे पास ये मिरर व्यू डिस्प्ले का जो सेटअप है पूरा वो हमारे पास रेडी है। इसमें कार MP5 प्लेयर है और ए 180 फुल HD डिस्प्ले है, 7 इंच की डिस्प्ले है, रिवर व्यू कैमरे के साथ है, और 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में ये डिस्प्ले रन हो सकती है। अभी हम इस डिस्प्ले के बॉक्स को एक बार खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर डिस्प्ले कैसी है, क्या क्या उसमें दिया हुआ है हमको, बटन वगैरह। सॉरी, इसमें कोई बटन वगैरह है नहीं, पूरा टच स्क्रीन डिस्प्ले है। इसमें आपको वॉल्यूम माइनस और प्लस करने का जो टच स्क्रीन है वो मिल जाएगा, और ऑन ऑफ करने वाला टच स्क्रीन भी मिल जाएगा। पूरा 7 इंच का डिस्प्ले है। इसमें आपको क्या क्या साथ में मिलता है मैं एक बार दिखा देता हूँ। पीछे आउटपुट लगा हुआ है पूरा वीडियो और ऑडियो का, और इसमें आपको मिल जाएगा वायर वगैरह मिल जाएंगे इसको आउटपुट देने के लिए कार के साथ, और इसमें रिमोट भी मिल जाता है हमको। तो ऐसा कुछ है हमारा पूरा। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं हमारे मैकेनिक के पास, और मैकेनिक को मैंने समझा दिया है कैमरा सेंसर और डिस्प्ले को फिट करने का कैसे है। तो अभी वो फिट कर रहे हैं। उसको हमारा जो AC वेंट है उसको भी खोलना पड़ा है, वहाँ पे हम आउटपुट देंगे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो मैं डीपली ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इतना डीपली यूट्यूब में कोई वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं दिखाता है। अभी मैं देखो हमारी कार में पूरा जो सिस्टम है उसको खोल लिया है, उसका आउटपुट जो इनपुट है वो भी निकाल लिया है। अभी ये हमारी जो ओल्ड वाला टेप रिकॉर्डर है उसको निकाल लेंगे, बाद में हम हमारी डिस्प्ले को अभी फिट कर रहे हैं। ऐसे आपको फिट हो जाएगा। अभी इसमें फ्रेम की ज़रूरत नहीं है देखो, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी ने ही हमको फ्रेम दिया है। तो फ्रेम में 7 इंच वाली डिस्प्ले है, वो आराम से फिट हो जाएगी। हमारा मैकेनिक ये डिस्प्ले को फिट कर रहे हैं, तो हम उसको फिट करने देते हैं एक बार डिस्प्ले। डिस्प्ले फिट हो गई है। अभी माया पीछे देखो ये जो मशीन आपको दिख रहा है ये होल करने वाला मशीन है। इस मशीन से हमने होल किए हैं सारे चारों सेंसर के लिए, और प्लस वन एक कैमरे के लिए होल किया था,
और उसमें सेंसर भी अभी लग गए हैं और कैमरा भी लग गया है। इसका जो हमारा जो सिस्टम का सेटअप है देखो, इधर फिट किया हुआ है। तो मोटा मोटा इसमें स्टीरियो लग गया है, कैमरा लग गया है पीछे, और सेंसर भी लग गया है। सेंसर मैंने कहाँ लगाया मैं आपको बताता हूँ। इसका मैंने सेंसर इधर फिट करवाया है, सेंसर में जो स्पीकर आता है वो डोर के पास मैंने फिट करवाया है। इधर से आवाज आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको रिवर्स में लेता हूँ, रिवर्स में ले लिया है। मेरे को पीछे वाला कैमरा भी दिख रहा है अच्छे से। ये देखो ए बी सी डी दिख रहा है, वो क्या है, इसका सेंसर का नंबर दिया है ए बी सी डी, और कार बैक कैमरा है। हो गया, इसमें आपको ऑटो लिंक से आप आपका पूरा मोबाइल को इसमें डाल सकते हैं। मतलब आपको यूट्यूब में अगर वीडियोस वगैरह देखने हैं तो ऑटो लिंक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना का, बाद में ऑटो लिंक और यूएसबी डेटा केबल से आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। ऑक्सी है, मतलब वो पिन वगैरह से जो करना है वो कर सकते हैं। वॉलपेपर आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। फिर ये कलर वगैरह इसका जो है वो चेंज कर सकते हो, रेडियो वगैरह मिल जाता है आपको। अगर एक स्पीकर चलाना है तो इधर क्लिक कर दीजिए चल जाएगा, इधर कर दीजिए। चारों में से कोई भी स्पीकर डालना है तो मैं तो वो ले रखता हूँ हर टाइम, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा टिम्बल बास वगैरह करना है तो इधर से कर पाओगे, कोई इश्यू नहीं है, कुछ भी सेट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बैक कैमरा दिखा दिया है, मैं बैक कैमरा कैसे लगा है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं बाहर चल के हम बैक कैमरा इसका देखते हैं। मैंने ऐसे सेंसर डाले हैं, ये सेंसर डाला है, चार सेंसर आएंगे, ये हमारा कैमरा है, चारों सेंसर ऐसे डाल दिए हैं, पूरा सेंसर ऐसे फिट हो गया है आराम से, अच्छे से जो फिनिशिंग आना चाहिए वो भी अच्छे से आ गया है। अभी गाड़ी में कोई कमी नहीं दिख रही है मेरे को, इसका इंटीरियर वगैरह सब बेहद खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि जो कमी थी मैंने पूरी कर दी है अभी स्टीरियो डाल के। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि मैंने सेंसर कैमरा और स्टीरियो फिट करवाया है। तो आशा करता हूँ आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और सब मेरे वीडियो देखिए, अच्छे अच्छे मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको कुछ ना कुछ उसमें से देख के आपको कुछ पता चले, इन्फॉर्मेशन मिले, उसके लिए मैं ट्राई करता रहता हूँ। तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, कमेंट करिए आपको जो भी मनचाहे, और मेरे आगे के वीडियो भी देखते रहिए। थैंक यू सो मच।